मांगे थी, लेकिन मुख्य मांग जो है वो राज्य में कानून व्यवस्था की न केवल बिगड़ती हुई स्थिति बल्कि बिल्कुल एकदम चौपट हो गई है। अलवर के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई जिसके अंदर हमारी महिला के साथ में गैंगरेप हुआ, महिलाएं इस राज्य के अंदर सुरक्षित नहीं है, दुल्हन को उठा करके ले जाने की घटनाएं आप लोग देख रहे हैं, हालात कानून व्यवस्था के इतने खराब है, राज्य सरकार जो है गूंगी बहरी है, उनको किसी तरह का कोई होश नहीं है। आज ये ज्ञापन उनके बारे में दिया गया है। मांग क्या रही है आपकी? एक असंवेदनशील सरकार जो 10-10 दिन तक मुकदमे को रोक के रखे कि उसको कहीं राजनीतिक जो चुनाव आने वाले इसमें नुकसान ना हो, तो जनता से धोखा करने वाली सरकार, न्याय ना देने वाली सरकार, आज तो हमने अंगड़ाई ली है। सरकार ने अगर अपने आप को दुरुस्त नहीं किया तो हम बहुत उग्र आंदोलन की स्थिति के अंदर आगे बढ़ेंगे, धरने प्रदर्शन होंगे और उत्तरोत्तर क्रम के अंदर ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। देखिए, रतनगढ़ के अंदर हमारी चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, वो भी हमने बताया है, इनके माध्यम से राज्य सरकार को कहा है, और वहाँ पर जैसे सोनोग्राफी की मशीन है, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन बाहर से करवाने के लिए डॉक्टर्स प्रेरित करते हैं, प्रेरित नहीं बल्कि मजबूर करते हैं, उसके बारे में भी कहा है। पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है, गांवों के अंदर रोज शिकायतें आती हैं, शहर के अंदर भी हालात खराब हैं, उसके बारे में भी कलेक्टर साहब को कहा है। गर्मी के टाइम के अंदर पीने के पानी की गंभीर समस्या है रतनगढ़ की। इसके अलावा परमाणा ताल की समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उस ताल के अंदर दो दो मंदिर हैं, हरिराम जी बाबा का मंदिर भी है और गायत्री माता का मंदिर भी है, वहाँ पर पानी मिट्टी भर दी गई है, प्राइवेट लोगों ने उसके ऊपर अतिक्रमण करके पानी जो शहर का इकट्ठा होता था बरसात का वो वहाँ पर नहीं होगा, पूरा शहर डूबने वाला है। मैंने कलेक्टर साहब को आगाह किया है कि बरसात के अंदर यदि शहर डूबेगा तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा, उसकी व्यवस्था पहले कराई जाए। नगरपालिका वहाँ पर सोई हुई है, नगरपालिका के जितने भी हमारे शहर के नाले हैं वो सारे नाले अटे पड़े हैं गंदगी से, कचरे से, नालों की सफाई की बात भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के माध्यम से की है। यही सारी बातें हैं जिनके बारे में कलेक्टर साहब को बताया गया है। ऊपर जाते हैं रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, भारी वाहन नहीं जा सकते और भारी वाहनों को रोके हुए भी करीब 6 महीने हो गए हैं। हमने पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और आम जन के लिए जो बसें हैं, ट्रक हैं, उन सब के जाने के लिए भी ये सुविधा, आम जनता का जो हक है उसको जल्दी मिले। लोकार्पण हुआ था नेचर पार्क का, उस समय जल संरक्षण को लेकर के एक कवि सम्मेलन कार्यक्रम हुआ था, उसके पेमेंट्स के लिए छोटे छोटे मजदूर स्तर के लोग भटक रहे हैं, कोई पेमेंट देने वाला नहीं है, उसके बारे में भी हमने चेंज करने वाले, एक्स्ट्रा देख रहा हूँ।
गारंटी पीरियड में नहीं है वो, जस्ट अभी अभी ओवर हुआ है, 3 साल का ही गारंटी पीरियड रखा था।